श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय 43 भागीरथ की तपस्या। भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करना, भागीरथ के पितरों का उद्धार। श्री राम देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो एक वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमावल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने ये सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। रघुनंदना भगीरथ ने देखा, गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी सात धाराएं हो गई। हलादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की तीन मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये तीन शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। उनकी अपेक्षा जो सातवीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकलनाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिनशुमार, सूस, झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिनशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था।
उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व ये सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ ये जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे, जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे। वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम। उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भागीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदना, राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया, इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजर्षि भागीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर, तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्मराशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए।